डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पहले भी। सबसे पहला जो थ्योरी आया था वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था। आपको पिक्चर शेयर्ड है, आपके सामने आ रहा होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स। तो ये बेसिकली क्या बोलता है कि एटम इज इंडिविजिबल, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर। और फिर कुछ चीजें और हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल विद ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग शेप साइज एंड मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल हैव डिफरेंट मास शेप एंड साइज। ओके, एंड मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स टू फॉर्म ए डिफरेंट एंटिटी विच विल हैव सेपरेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। ये क्या क्या बोले हैं? बेसिकली आपके पास कोई एक एटम है, एटम क्या होगा, बिल्कुल डिवाइड नहीं कर सकते, इस इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके एलिमेंट आपका बना होगा। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एटम इज द बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो एटम होगा। एटम एटम जोड़ते जाओ, वैसे आपका क्या बन जाएगा, पूरा एलिमेंट बन जाएगा। जैसे आपको घर बनाना है तो ईंट ईंट करके जोड़ते जाओ तो घर बन जाएगा, वैसे ही एटम एटम करके जोड़ते जाओ इन ए स्पेसिफिक कॉन्फिग्रेशन या स्पेसिफिक अरेंजमेंट में। अगर आप एटम एटम को जोड़ते जाओगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एक एलिमेंट मिल जाएगा। इतनी बात समझ आई? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है वो एटम इज इंडिविजिबल, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल नोन एज एटम्स, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट स्पेशली शेप साइज एंड मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल हैव डिफरेंट मास शेप एंड साइज। तो ये जितने पोस्टुलेट्स थे जल्दी जल्दी नोट कर लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सर इससे पहले भी कुछ है? इससे पहले भी कुछ है इस चैप्टर में? हाँ नहीं, हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से ही शुरू कर रहे हैं। आयुष, हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में था ना? एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में था, बिल्कुल बताया गया होगा आपको। हो गया सर। हो गया, तो वापस से आ जाओ बोर्ड पे। मैं कुछ कुछ लिख रहा हूँ, बोर्ड दिखाई दे रहा है या स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करो? नहीं सर, स्क्रीन से लिख रहे हैं। ओके, लिख लो पहले फिर मैं बोलता हूँ। उसके बाद वाले एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करेंगे कि एटम डिविजिबल है, डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, हालांकि ओरिजिनल थ्योरी यही था। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स which are further divisible though there is no existence of the resulting particle, there is no actual stability associated with the resulting particle। मतलब आपके पास जो होगा ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो डिवाइड होके मिल तो जाते हैं लेकिन उनकी ऑन इट्स ओन स्टेबिलिटी नहीं है। एटम खुद में स्टेबल है, एटम को अगर आप रखे रखोगे तो एटम डिकम्पोज नहीं करेगा, एटम कहीं और नहीं भागेगा। लेकिन आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन फटाफट से कोशिश करते हैं किसी तरह रिएक्ट कर ले,
जबकि एटम की ऐसे टेंडेंसी नहीं होती, एटम इज स्टेबल ऑन इट्स ओन, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ ऐसा नहीं है, उनको कंबाइन करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन ओरिजिनल थ्योरी यही था, तो यही बताना पड़ेगा मुझे बाद में बता। ये मतलब मैं बताने वाला था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड हो जाता है, इस वजह से ये थ्योरी में ये पोस्टुलेट स्पेसिफिकली गलत हो जाता है। बट सर, हाँ बोलिए। कुछ एलिमेंट्स भी तो अनस्टेबल होते हैं जब तक वो नोबल गैस। देखो एलिमेंट के अनस्टेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अनस्टेबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। एलिमेंट किस वजह से अनस्टेबल होता है, मतलब क्राइटेरिया डिफरेंट होंगे। यहाँ पर अगर आप एक प्रोटॉन की बात करो तो वो किसके बराबर होता है, 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। जो अनस्टेबिलिटी में एनर्जी का अमाउंट है वो बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज होती है जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। आपने सुना होगा ना न्यूक्लियस की जितनी रिएक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर यूज होते हैं, करेक्ट? यस सर। मतलब ये बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे होंगे, जबकि एटम में तो कुछ भी रिएक्शन में कुछ में तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं निकलती है, एंडोथर्मिक हो जाती है, है ना? तो एनर्जी एसोसिएटेड टर्म्स में बोला जा रहा है कि रिलेटिवली ये बहुत ज्यादा स्टेबल है एटम्स, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। आई बात समझ आयुष? यस सर। एंड साइज, शेप और मास वेरी कर सकता है ना? सेम एलिमेंट के एटम्स में वेरी नहीं करेगा। मतलब एक कार्बन 12 में जिस साइज का एटम होगा, जिस टाइप का स्फीयर होगा, मतलब आपके पास एक स्फेरिकल एटम में कार्बन 12 का अज्यूम करता हूँ, तो वैसे ही आपके पास दूसरे कार्बन 12 भी होंगे। कार्बन 12 का जो साइज होगा वो सेम रहेगा हर जगह, है ना? लेकिन अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन और कार्बन में कंपेयर करोगे तो कार्बन का छोटा होगा, नाइट्रोजन कुछ बड़ा होगा, या नाइट्रोजन का छोटा होगा, कार्बन का कुछ बड़ा होगा, तो डिफरेंट एलिमेंट के क्या होंगे आपके पास, डिफरेंट एटम का जो एटम का शेप एंड साइज एंड शेप साइज एंड मास है वो डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट है, लेकिन सेम टाइप का एलिमेंट है तो उसमें क्या होगा, सारे एटम सेम होंगे, सारे एटम एक जैसे रहेंगे। कार्बन के अंदर सारे कार्बन एटम्स ही होंगे और सबका शेप साइज एंड मास बराबर होगा। बट सर, अगर हम कार्बन लेंगे और मतलब कार्बन का कोई कंपाउंड लेंगे विच इज अगेन बॉन्डेड विद अ कार्बन एलिमेंट, तो उसमें तो एटम को देखो वहां पे एटम नहीं होगा, वहां पर मॉलिक्यूल हो जाएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल का। वहां पर जैसे ही आप कंबाइन कर दोगे तो जैसे ग्रेफाइट होता है उसमें एक लेयर आती है, उसको ग्राफीन बोलते हैं, वो पूरा एक मॉलिक्यूल का काम करता है, मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन हो जाए तो मॉलिक्यूल बन जाता है, और मॉलिक्यूल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं जिन कंपेयर टू जिन एटम्स से मिलकर वो बना होता है। तो जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों गैसेस होती हैं, लेकिन जब वाटर बन जाता है तो क्या होता है, लिक्विड होता है। मिलके तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, लेकिन क्या हो गया आपके पास, वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। और H2O की शेप देखने जाओगे तो इसमें क्या हो जाता है, बैंड शेप आ जाती है, मतलब कुछ ऐसा ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसा कुछ बन जाएगा, दिखाई दे रहा है? पता नहीं दे रहा है सर, हल्का सा उससे। हाँ ये ऊपर, ठीक है, ये ऊपर कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया। हाँ दिख गया सर। एलिमेंट्स कैसे अनस्टेबल है? एलिमेंट्स का अनस्टेबल है सर, आप कुछ बता रहे थे कि एलिमेंट्स अनस्टेबल है। मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अनस्टेबल है, मैंने तो एलिमेंट अनस्टेबल की बात ही नहीं की।
बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है, मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई, बेसिक बेसिक डेफिनेशन। न्यूक्लियाइड क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस में दिक्कत रहेगी, हो सकता है बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन हो जाएगा आप उससे फोकस। हाँ, तो आपके पास न्यूक्लियाइड क्या होता है, न्यूक्लियाइड क्या होता है, वेरियस स्पीशीज ऑफ एटम्स इन जनरल। अगर आपके पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन गिवन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये न्यूक्लियाइड है, ऑक्सीजन एक न्यूक्लियाइड है, नाइट्रोजन एक न्यूक्लियाइड है। तो इस टाइप से आप न्यूक्लियाइड बोल सकते हैं। न्यूक्लियाइड क्या होगा, वेरियस स्पीशीज ऑफ एटम्स इन जनरल, इन जनरल। तो ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है। फिर सेकंड क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन ए न्यूक्लियस। मतलब आपके पास जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मिलता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिला जुला के न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए कंबाइंड टर्म यूज करनी हो तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन ए न्यूक्लियस। आइसोटोप्स, तीसरा टर्म क्या होता है, आइसोटोप्स, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसका बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल मैं बोलूं क्या आपके सामने, आइसोटोप में आपके पास क्लोरीन 13, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ये दोनों आइसोटोप्स हैं। यहां पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो गया है, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोटोप्स। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं, प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स में क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। एक और फिर टर्म उसके बाद यूज किया, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होंगे, एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका बड़ा इसका एग्जांपल क्या होगा आपके पास, फॉस्फोरस 32, 15 एंड सल्फर 32, 16। ये दोनों क्या हो गए आपके पास, आइसोबार्स। इनमें क्या होगा, आपके पास मास नंबर सेम है 32, 32, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, फॉस्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है। तो अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो, तो क्या बोल देंगे हम लोग कि ये आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स क्या होंगे, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फिर उसके बाद एक और टर्म है आइसोटोप्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाली स्पीशीज को क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। एग्जाम्पल 14 कार्बन उठा लो, साथ में नाइट्रोजन उठा लो 15, ऑक्सीजन उठा लो 16, ये तीनों आपस में आइसोटोप्स हैं। यहां पर अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक करने जाओगे तो सेम होंगे, 14 माइनस 6 कितना 8 न्यूट्रॉन्स, 15 माइनस 7 कितना 8 न्यूट्रॉन्स, 16 माइनस 8 कितना आपके पास, 16 माइनस 8 कितना आ गया आपके पास 8। तो यहां भी 8 न्यूट्रॉन्स आएगा, यहां भी 8 न्यूट्रॉन्स है और यहां भी 8 न्यूट्रॉन्स है, तीनों जगह 8 8 8 न्यूट्रॉन्स आपके आ जाएंगे, तीनों पोजीशन पे आपके पास 8 8 8 न्यूट्रॉन्स रहेंगे। तो ये सारी डेफिनेशन, आपको कोई डाउट है तो पहले पूछिए उसके बाद लिखना। सर डाउट है। हां श्रेया बोलो। सर आइस फास्फोरस का मास 30.9 होता है, जिसको हम 31 लेते हैं, वो एवरेज मास होता है श्रेया, हम कौन से 15 का, फास्फोरस का जो 30.9 आप बोल रहे हो वो क्या एवरेज मास होता है क्या, सारे आइसोटोप्स का मिला के एवरेज एटॉमिक मास निकाल के लेके आते होंगे है ना। तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक सिंगल आइसोटोप उठा के ले रहे हैं, तो उसको हमने डायरेक्टली लिख दिया है, एक 32 वाला सिंगल आइसोटोप उठा लिया, तो उसका मास नहीं बताइए क्या, क्या न्यूक्लाइड कौन सा वाला बोल रहे हो, न्यूक्लाइड मतलब
न्यूक्लियाइड्स मतलब वेरियस स्पीशीज ऑफ एटम्स, वेरियस स्पीशीज ऑफ एटम्स इन जनरल, मतलब क्या होगा आपके पास डिफरेंट एटम्स को ही हम लोग बेसिकली न्यूक्लियाइड बोल सकते हैं, ऑक्सीजन न्यूक्लियाइड, नाइट्रोजन न्यूक्लियाइड या कार्बन न्यूक्लियाइड, कुछ भी जो वेरियस स्पीशीज ऑफ एटम्स होते हैं उनको ही न्यूक्लियाइड बोल सकते हैं, कुछ बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ एटम्स का ही एक दूसरा नाम देने के लिए, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है हर एक के अंदर एटम के अंदर, तो उस वजह से ना, और न्यूक्लियस अलग अलग टाइप का होता है तो न्यूक्लियाइड नाम उनको कंबाइंड में दे सकते हैं। यस सर, ठीक है। अच्छा सर, वो आइसोटोप्स भी होंगे तो उसको भी दो अलग न्यूक्लियाइड्स, न्यूक्लियाइड्स कहते हैं क्या? हाँ हाँ, यहाँ पर आपके सामने एक इसने बना रखा है, एक मैं बना रहा हूं। किया क्या है हम लोगों ने, हम लोगों ने एक ग्लास ट्यूब लिया, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। हाँ, वापस से आ रहा हूं, ये हटा दो। हाँ, अभी देखिए, मैंने एक ग्लास ट्यूब लिया है यहां पर, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक ये वाला इलेक्ट्रोड, एक ये वाला इलेक्ट्रोड, और दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज बहुत 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 ज्यादा हाई है, इतना 10,000 आपके पास वोल्ट की रेंज में। वोल्ट तो आपने सुना होगा, वोल्ट आपका फिजिक्स में आया था या 10th क्लास के साइंस में आया था, वी इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूला में, है ना? वी इज इक्वल टू आई आर, ये वोल्टेज है बेसिकली, बहुत हाई वोल्टेज वाले तार, कभी देखे हाई वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइन, एक सेकेंड इसको फोकस कर, हाई वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइन देखिए कभी, वो ट्रेन के ऊपर जो रहता है वायरिंग, ट्रेन के ऊपर रहता है, और भी कोई होता है क्या? हाँ सर, जैसे घर वाला तो सर मुझे कोई आइडिया नहीं, घर के घर के ऊपर जो लाइन आती है तो वो जब लंबा डिस्टेंस में ट्रेवल कराना होता है तो लंबे लंबे पोल्स जो बड़े बड़े लगे रहते हैं, हाँ जी सर, जो ऊंचे, तो उन पे भी बहुत हाई वोल्टेज होती है। इन हाई वोल्टेज वायर्स के आसपास भी जब आप किसी ट्रेन के ऊपर से, जो आपके पास ब्रिज होगा ओवर ब्रिज, तो उसमें लिखा होता है वोल्टेज, हाई वोल्टेज वाले वायर्स के आसपास किसके आसपास मत आओ, वहां पे रेलिंग के आसपास भी नहीं जाने देते, क्यों? कभी देखा है? अच्छा सर, उसमें तो सर बहुत ज्यादा, मतलब उसमें अराउंड 25,000 या 35,000 के आसपास का करंट होगा, बहुत हाई वोल्टेज होती है, राख हो जाएगा। अगर नहीं भी छुएगा तो भी इंसान राख हो जाएगा, बहुत डेंजर। तो क्या होता है, जो एयर होती है ना आसपास की, जो आपके पास जो वायर होगा हाई वोल्टेज का, उसके आसपास की एयर भी करंट कंडक्ट करती है, उस एयर के भी टच में आ गए आप, तो आप को करंट लग जाएगा। फिर मुझे एक बात बताओ, ये पक्षी लोग कैसे जाए बैठ जाते हैं, जो आपके पास बर्ड्स होते हैं वो इजीली कैसे बैठ जाते हैं? सर वो एक ही लाइट में जाके बैठते हैं तो उनसे मतलब करंट मतलब पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाता है, एक ही वायर तो कनेक्ट होते हैं, दो वायर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, क्योंकि आपके पास करंट लगने के लिए जरूरी होता है कि आप दोनों वायर्स को टच करें ताकि आपकी बॉडी से करंट पास हो। मतलब अगर आप सिर्फ एक वायर को टच करोगे तो करंट पास नहीं होगा आपकी बॉडी से और आप बच जाओगे, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ किया जिसमें आपने आपकी बॉडी से करंट पास करा लिया तो फिर बचाओ नहीं है। एक टेस्ला कॉइल की चीज होती है, सुना है टेस्ला कॉइल? यस सर। क्या होता है सर? टेस्ला तो नाम सुना हुआ है सर, वो एक मतलब ऐसा टावर टाइप का रहता है ना जिसके आसपास में इलेक्ट्रिसिटी का इन्फ्लुएंस रहता है सर, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है।
भी है, आपको एक काम करना है, टेस्ला कॉइल गूगल पे सर्च करके देखना। सर स्पेलिंग क्या है? TES एक सेकंड सर, TES LA टेस्ला, यस सर, कॉइल COIL, निकोला टेस्ला का था। सर आपने बोला कि एयर भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर बर्ड्स को क्यों नहीं लग जाता एयर में? लेकिन सिर्फ उसमें क्या हुआ, सिर्फ एक वायर के कांटेक्ट में बर्ड आता है। अब एक वायर में कांटेक्ट में आने क्या मतलब है? सर हम लोग भी तो वायर को बिना टच किए हुए आपने बोला कि करंट लग जाएगा, बिना वायर टच। आपके पास दो वायर्स पास पास होते हैं और आदमी का बॉडी इतना बड़ा है कि दोनों वायर्स के एक साथ टच में आ सकता है, आ सकता है। हाँ। जो दो वायर्स हैं उनका मान लो। हेलो। हाँ जी सर, आपका वो स्क्रीन क्या है? एक मिनट आ रहा है। हाँ अभी ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि एक वायर के इन्फ्लुएंस में अगर हम लोगों का आता है, क्योंकि बॉडी दो वायर से मान लो, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक है, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक है, बर्ड क्या होगा इजिली चला जाएगा, लेकिन आदमी क्या होगा, आदमी के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि आदमी है बहुत बड़ा, तो ये जैसे ही आएगा इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो ये दोनों के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, मतलब दोनों साइड कहीं ना कहीं बॉडी टच कर जाएगी। अच्छा। और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सीधा सीधा। बोलो सर। हमें करंट तभी लगता है ना जब वी आर कनेक्टेड टू ग्राउंड। वी आर कनेक्टेड टू ग्राउंड नहीं, आपके पास अगर अर्थ वाला वायर के कॉन्टेक्ट में भी आ जाए तो भी करंट लग जाएगा। दोनों वायर्स को आप अगर पकड़ोगे तो करंट लग जाएगा। ग्राउंड से कॉन्टेक्ट में आने की दिक्कत ये है, देखो ग्राउंड से कॉन्टेक्ट में आने पर सारा करंट आपकी बॉडी से जाने लगता है। उन वायर्स में क्या होता है, अर्थिंग वाला वायर होता है, क्योंकि उन वायर में भी खूब करंट लगता है। आपने पोल्स पे भी देखा होगा, बिजली वाले जो होते हैं वो मर जाते हैं, बहुत बार मरते हैं, वो तो कभी ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में नहीं होते है ना। बिजली वाला पोल पे चढ़ा हुआ है और वहीं पे जल के मर गया, करंट लगा, स्पार्किंग हुई, जल के मर गया, ऐसा होता है, बहुत नॉर्मल चीज है। कभी देखा नहीं सर, बट हाँ हाँ सुन रखा है, वीडियोस आते रहते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो क्या होता है, ऐसा होता है कि मर जाते हैं। मरते क्यों हैं, किस वजह से? क्योंकि वहां पे एक अर्थ वाला वायर होता है, वो एक्चुअली आपके ग्राउंड के कॉन्टेक्ट वाला ही काम करता है। अर्थ मतलब ग्राउंड ही हो गया। हाँ जी सर। तो अर्थ वाले वायर के जैसे ही मतलब कॉन्टेक्ट में आओगे तो दो वायर्स आपके हो जाएंगे और आपका करंट लग जाएगा, तो इस वजह से दिक्कत आती है। तो ये साथ ब साथ जो आपके पास क्या होता है, एक चीज और बताओ मुझे, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास जो वायर होता है वो पतला वायर ज्यादा कंडक्शन शो करेगा या मोटा? पतला सर। पतला पतला वायर क्यों ज्यादा कंडक्शन शो करेगा, ये अपने सोच के देखना है। वेरी करती है ना, एक तो लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा तो साइज ऑफ द वायर, और तीसरा तो रेजिस्टेंस ऑक्यूपाई। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला होता है। हाँ जी सर। अगर मैं वायर का एरिया कम कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर ये क्या बोला आपने, आपने बोला पतला वायर चल जाता है सर, ये होता है ना फॉर्मूला। तो
एरिया छोटा कर देंगे तो पतली वायर ही तो होगी सर। एरिया छोटा करने से पतली वायर होगी तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका घट जाएगा, बढ़ जाएगा। सर रो क्या होता है? रो तो सर रेजिस्टिविटी होता है। रो रेजिस्टिविटी है, आर रेजिस्टेंस है, एल क्या है लेंथ है, ए एरिया है। yes. तो आपकी वाली बात तो कुछ यहाँ पे जमीन देखिए, रो एल बाय ए से ये बात तो आप वाली जमीन ही। हाँ सर, तो फिर मोटी वायर ज्यादा कंडक्ट करेगी। मोटी वायर क्यों नहीं यूज करते, पतली क्यों यूज करते, दोनों ही बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ एक बार ढूंढना इसको क्या होता है। सर पतली वायर कल मैं पूछूंगा आपसे। हाँ आयुष बोलो। सर पतली वायर इसलिए मेरे ख्याल से इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं बिकॉज पतली वायर से एक्चुअली आयुष देखना उसमें बहुत सारी पतली पतली वायर कलेक्शन होता है। जो मोटी वायर भी हम लोग लेते हैं तो वहां भी बहुत सारी पतली पतली वायर्स का कलेक्शन बना के यूज करते हैं, डायरेक्टली मोटा वायर यूज नहीं करते हैं, उसमें बहुत सारी पतली पतली वायर्स का कनेक्शन कलेक्शन बना के उसको यूज करते हैं। हाँ जी सर, है ना। तो चेक करना क्यों ऐसा होता है, पतली वायर क्यों यूज करते हैं। सर एक छोटा डाउट मैं पूछूं क्या इस टॉपिक से, नहीं है हम ऑल कॉन्सेप्ट करते हैं बस, ये Pb3O4 का सर स्ट्रक्चर कैसे बनता है? Pb3O4 यस सर, अगर वो बैलेंसिंग वाला कर रहा था उसका स्ट्रक्चर बनाने में आपको दिक्कत हो गया, आपने जो असाइनमेंट भेजा था बैलेंसिंग का वही का क्वेश्चन था। Pb3O4 ये कॉम्बिनेशन होता है 2PbO प्लस PbO2, जैसे Fe3O4 होता है Fe3O4। तो सर इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन के तो ऐसे ही दोनों का सेपरेटली ऐसा बनाना पड़ेगा, मतलब Pb3O4 करो तो भी कर सकते हो, या इनका एक ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर मान लो, मतलब टोटल चेंज कितना हुआ वो देख लो, उससे भी हो जाएगा वही। लेकिन सर वो मतलब ओवरऑल हम लोग को जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर वो निकालने के लिए इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो वही मैं स्ट्रक्चर नहीं, फिर स्ट्रक्चर नहीं, फिर आप क्या करोगे ऑक्सीजन का माइनस 2 मान के जो 10th वाला फार्मूला होता है माइनस 2 यस इनटू 4 कितना हुआ, हां समझ गया, डिवाइड बाय 3 कर दो यस इंडिविजुअल। लेकिन सर फिर भी ऐसा मतलब स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि मतलब मैंने जो स्ट्रक्चर बनाने को एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये दो इसी फॉर्म में मतलब इनके कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें ये कर सकते हैं सर कि जो जैसे नीचे यहाँ PbO का या फिर PbO2 को हम लोग उस उन दोनों में से किसी एक का स्ट्रक्चर, या तो आप क्या कर लो इन दो पार्ट में स्प्लिट करके लिख लो Pb3O4 तो भी आंसर आ जाएगा, या आप क्या कर लो इसी का ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, दो तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व हो। ओके ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सो मैंने क्या बोला कि एयर आयनाइज हो जाती है, मतलब एयर भी कंडक्शन शो करती है। यहां पर क्या किया है, मैंने एक ग्लास ट्यूब ली, उसमें वैक्यूम सा क्रिएट कर दिया, मतलब वैक्यूम है, एग्जैक्ट तो वैक्यूम नहीं है, प्रेशर लो प्रेशर बोल देंगे इसको, बहुत प्रेशर लो प्रेशर है, बहुत लो प्रेशर इस ट्यूब के अंदर मैंने क्रिएट कर दिया। अब क्या करेंगे, यहां पर 10,000 वोल्ट की दो प्लेट लगा दी, मतलब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट है, ये जीरो पे है तो ये 10,000 पे है, ऐसा कुछ, तो बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास। होगा क्या, अंदर जितनी भी एयर बची है वो कंडक्शन शो करेगी। अब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का एक सिंपल मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये सही बात है क्या, करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन, 10th क्लास में फिजिक्स में ध्यान है कुछ बताया था करंट फ्लो की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन,
यस सर, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल रहता है फ्लो, और करंट का ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। मैं यहाँ पर एक बैटरी और वो बना के दिख सकता हूँ आपको। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, वोल्ट भी है, तो इसमें करंट जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। लेकिन जो करंट होगा वो हम लोग अज्यूम करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा। तो यहां पर होगा क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ये ट्रेवल करके जाएंगे थ्रू एयर। आपने स्पार्क जो देखा है, स्पार्क एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ही होता है। अगर दो हाई वोल्टेज के वायर्स को पास पास लेके आओगे तो उनके बीच में स्पार्क जनरेट होगी, होता है ऐसा? दो हाई वोल्टेज के वायर्स को आप पास पास लेके आओ, स्पार्किंग होगी फटाफट, होता है? देखा है क्या किसी ने स्पार्किंग? यस सर। क्या होता है स्पार्किंग में, क्या होता है सर? जैसे दो रॉक को जब हम एक दूसरे के ऊपर मारते हैं तो वैसे बात करेंगे, लेकिन वायर्स में स्पार्किंग देखिएगा, वायर जलते हुए या फिर स्पार्किंग? यस सर। सर जंप करता है ना, उसमें क्या होता है, जब आप दो वायर्स को पास पास लेके आओगे तो क्या होगा, इस सरफेस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, लेकिन जंप करने के लिए कोई मीडियम तो नहीं है, तो क्या करेगा, बीच में जो एयर है आपकी, ये जो बीच में एयर है बीच वाली, इसमें क्या होगा, मान लो नाइट्रोजन एटम, तो उस पर बैठेगा इलेक्ट्रॉन, जबरदस्ती बैठ जाएगा और इस तरफ जाएगा, फिर से वापस N2 में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाएगा, मतलब एयर आयोनाइज हो गई, एयर के आयन्स बन गए, N2 माइनस आयन बन गया। इस तरह से एयर को आयनाइज कर देता है बेसिकली। अगर एयर आयनाइज हो गई तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एयर के थ्रू ट्रेवल किया, और ये जो आयनाइज एयर है यही स्पार्किंग की फॉर्म में, क्योंकि ये हाई एनर्जी की होगी तो स्पार्क की फॉर्म में जाके यहां पर स्ट्राइक करेगी। भाई एयर अगर आयनाइज हुई तो N2 पे माइनस चार्ज आया, और ये माइनस चार्ज वाला पॉजिटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होगा बहुत स्पीड में, एक अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज वाला, है ना, और नेगेटिव चार्ज वाला अगर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी, मतलब ये एक स्पीड से ट्रैवल करके वायर की तरफ जाएगा, और वायर पे जाके जब स्ट्राइक करेगा तो स्पार्किंग निकलेगी आपकी, ठीक है? तो आयनाइज एयर की वजह से ही बेसिकली स्पार्किंग होती है। तो ये हुआ क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन इसमें भी क्या कर रहा है, ट्रेवल करके इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में भी क्या हो रहा है, जब मैं हाई वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जाने लगा। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं वापस से, ताकि यही चीज मैं थोड़ा और अच्छे से आपको दिखा सकूं। आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हम लोगों ने क्या लिया, दो पार्ट लिए, एक एनोड लिया एक कैथोड लिया। एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल बोला गया है, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल बोला गया है। गैस एट लो प्रेशर है आपकी, गैस बहुत लो प्रेशर पे है, क्या हो रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज ट्रेवल कर रही है जो अपने को दिखाई नहीं देती है। इनको डिटेक्ट कैसे किया है वो बताऊंगा मैं आपको, लेकिन कुछ रेज ऐसी निकल के आती हैं जो आपकी दिखाई नहीं देती, इनविजिबल रेज होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है, तो इन रेज का नाम क्या हो जाएगा, कैथोड रेज। और बेसिकली ये है क्या, इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि कैथोड से एनोड की तरफ गया है। कैथोड एनोड सबको पता है? यस सर। तो यहां पर क्या किया है हम लोगों ने, कैथोड से निकल के इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ गया, तो वो जो इलेक्ट्रॉन की बीम बनी उन्हें क्या बोल दिया, कैथोड रेज। इनिशियल नाम इनका क्या था, कैथोड रेज। जब पहली बार डिटेक्ट हुआ था ना इलेक्ट्रॉन, वो ऐसे डिटेक्ट हुआ था,
तो 1859, आज से देखो कितने साल हो गए, कितने साल पहले इलेक्ट्रॉन निकाला था, जो पहली बार कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 1859 में हुआ था। ओके यस सर। तो ये एक डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद इनकी इन रेज की प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक डायग्राम आप बना लो, मेरे वाला भी यूज कर सकते हो, मेरे वाला मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर है, वहां पे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। सर दोनों ना लगता, जैसे आपको सही लगे। सर आपकी स्क्रीन चली गई सर, ऐसा नहीं हो सकता। स्लाइड वीडियो पिन वीडियो भी है, चेक करो स्क्रीन गई हुई है क्या सबके लिए। नो सर, ये स्क्रीन आ रही है नहीं आ रही, शेयर स्क्रीन नहीं आ रही सर। आपकी नहीं आ रही? नहीं सर। तो मेरी भी नहीं आ रही। स्टॉप वीडियो, स्टार्ट वीडियो, अभी आई? नहीं आई सर। तो वीडियो आ रहा है, शेयर स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन तो मैंने हटाई है अभी, आप ये पहले ये वाला डायग्राम बना लो ताकि फिर मैं शेयर स्क्रीन कर दूं। सर ये तो हो गया सर। ये हो गया, बना दिया है। हाँ, सर इसमें प्रेशर कितना रखना पड़ता है? मतलब प्रेशर वैल्यू जो दे रखी हो 10⁻⁴ ATM है, मतलब बहुत कम प्रेशर है। देखो दोनों डायग्राम बना लो। फ्लो करता है ना? क्या कह रहे थे आद्या? सर पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ चार्ज फ्लो करता है ना, कुछ ऐसा था? नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। नेगेटिव का मतलब क्या है? वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। सर जो कैथोड रेज होती है वो जब टकराती है पॉजिटिव से, हाँ उस पे आएंगे अभी रुको थोड़ा सा, उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर बताते हैं। सर उसका कलर भी तो होता है ना सर? हाँ हाँ, एक बार प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा तो पहले डायग्राम बनवा देता हूँ, फिर प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। और सर ये इसके नीचे वाला भी लिखना है? नीचे वाला मैं लिखवाऊंगा, पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद ये इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखने की जरूरत नहीं है। सर वो कैथोड रे इसके डायग्राम बना दो, एक डायग्राम है उसको ड्रॉ करो। अभी सिर्फ डायग्राम बना दो। क्या कह रहे थे? सर यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम है आप जो बनाए हैं उसमें आप नेगेटिव की तरफ से भी एरो दिखा रहे हैं और पॉजिटिव की तरफ से भी। कहाँ पर? नेगेटिव आपके बोर्ड पे, नेगेटिव तरफ से कहाँ है रो? जो सर्किट डायग्राम है वहां पे दोनों हाँ। अलग अलग चीजें लिखी हुई है आद्या, मैंने इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट में करंट का डायरेक्शन लिखा है। जिस डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब करंट का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, दोनों अलग अलग चीजें, वहां लिख रखा है इलेक्ट्रॉन और वहां लिख रखा है करंट, दोनों एरो के पास पास दिखा। सर इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव। सर इसका डिस्कवरी तो नहीं लिखने आना? नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज इनको बोलना शुरू किया था, फिर उसके बाद डिस्कवरी कौन करेगा? जे जे थॉमसन करेगा। तो सर ये जो इसके नीचे लिखा है, हाँ ये मैं बताऊंगा अभी, आयुष अभी मैं बताऊंगा। नहीं सर प्रॉपर्टी से पहले नहीं, ये नहीं लिखना है। हाँ ठीक है, डन सर। डन, हाँ चलिए अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी,
ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, बहुत हाई वेलोसिटी होती है, इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। फिर अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट की क्या होगा, इमेज बन जाएगी। मतलब कहीं पे भी आप लाइट के सामने खड़े हो जाते हैं, क्या होता है आपके पास, आपके साथ क्या होगा, लाइट के पास में आप खड़े हो जाओगे तो पीछे आपकी इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखाया है कि बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट डाल दें हम लोग, कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट बेसिकली, तो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे यहीं पे, आगे ट्रेवल नहीं कर पाएंगे इस वे, इस पार्ट में तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इसकी एक शेडो ऑब्टेन हो जाएगी अगर बीच में कोई स्क्रीन डालते हैं। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, जिंक सल्फाइड पे जब भी आपके पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, जैसे पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, समटाइम अल्फा पार्टिकल भी जिंक सल्फाइड पे अगर स्ट्राइक करे तो जिंक सल्फाइड डिकम्पोज कर जाता है और वो स्पार्क टाइप में देता है। मतलब अगर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे ये सब पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो क्या होगा, आपके पास जिंक सल्फाइड क्या हो जाएगा, स्पार्किंग शो करेगा। मतलब अगर मैं वापस से बार बोर्ड पे आ रहा हूं, आप लोग बोर्ड पे डायरेक्टली स्विच कर सकते हो क्या, मुझे स्क्रीन शेयर ऑफ करना पड़ेगा? यस सर, डायरेक्टली कर सकते हो, तो आ जाओ बोर्ड पे एक बार स्विच करके आ जाओ। जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है आपका जिसपे जब भी कोई हाई वेलोसिटी का पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, इस पे स्पार्किंग सी निकल के आएगी, एकदम से स्पार्क करेगा, ये पॉइंट स्पार्क करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक की ये पॉइंट स्पार्क किया, यहाँ पे स्ट्राइक की ये पॉइंट स्पार्क किया, यहाँ पे स्ट्राइक की ये पॉइंट स्पार्क किया। क्योंकि जैसे ही स्ट्राइक होती है जिंक सल्फाइड डिकम्पोज कर जाता है, तो इस वजह से जिंक सल्फाइड बहुत एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में काम आता है हाई वेलोसिटी के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। अपनी आंखों से तो कैथोड रेज को हम लोग देख नहीं पा रहे थे, लेकिन जिंक सल्फाइड का स्क्रीन यूज करके तो देख सकते हैं कैथोड पार्टिकल को, अपनी आंखों से तो हम लोग देख नहीं सकते थे, इनविजिबल रेस थी। लेकिन अगर हम लोग ऐसे बीच में स्क्रीन डाल दें जिंक सल्फाइड की, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ यहाँ स्पार्किंग हो रही है, तो इतने एरिया में ये रेस आ रही है। तो जो शेडो वाला पोर्शन है, आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट बीच में डाल दिया एक, उसकी वजह से एक शेडो ऑब्टेन हुई है, तो वो जो शेडो वाला पोर्शन है उसमें कोई रेज नहीं आ रही है। तो इतनी पार इतना पार्ट इसमें यह था कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट डाल दें, वापस अपने शेयर वाले पार्ट पे आ जाओ, स्क्रीन जो शेयर स्क्रीन है उस पे आ जाओ, शेयर स्क्रीन पे वापस आ जाओ। यहां पर क्या दिखाया है, बीच में एक ऑब्जेक्ट डाल दिया और पीछे अगर जिंक सल्फाइड स्क्रीन लें तो उस पे ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगी, शेडो आ जाएगी। मतलब वो ऑब्जेक्ट को पार करके इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो इतनी बात है, यहां पर क्या होगा, शेडो एक ऑब्टेन हो जाएगी, ये डायग्राम नहीं बनाना है। ओके, जब ग्लास से स्ट्राइक करती है ये रेस, अगर ग्लास से अगर स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, ग्रीन ग्लो ऑब्टेन होता है। मतलब ये पूरा ट्यूब आपका ग्रीन ग्लो टाइप में देगा ग्लास से जहां भी स्ट्राइक करेगा वहां पर। और जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक करने से लाइट इज एमिटेड, वो मैंने आपको बताया कि स्पार्किंग टाइप में होता है, मतलब वहां से लाइट इज एमिटेड। बीच में अगर एक व्हील टाइप कुछ रख दे, पहिया टाइप, तो ये पहिया घूमने लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और पहिए पे आगे स्ट्राइक करेगा तो पहिया घूमने लगेगा। एक व्हील अगर बीच में लगा दूं, जैसे आप वाटर के करंट में अगर पानी का कहीं पे फ्लो है और बीच में एक पहिया लगा दो, टर्बाइन लगाते हैं जो हम लोग, तो वो क्या करता है, घूमने लगता है रेगुलरली। तो यहाँ पर बीच में अगर एक व्हील लगा दूं, बहुत हल्का व्हील, तो वो व्हील घूमने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मास भी कैरी करता है। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं थी, इसका कुछ मास भी होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या थी, अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लूं, मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दूं,
देखो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन बीम पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मतलब ये क्या करेगा, बीम मुड़ जाएगी, सीधा चलते चलते एकदम से बीम मुड़ जाएगी। मतलब इस पे चार्ज कौन सा है, जो इलेक्ट्रॉन बीम थी, जो बीम थी उस पे चार्ज कौन सा निकल के आएगा, नेगेटिव चार्ज। या इलेक्ट्रॉन का बेसिकली इनिशियल आइडिया कहां से लगा, कि आपके पास बीम आ रही है तो ये क्या हुआ, ओके सो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन बीम यहां से निकल के आ रही थी, क्या किया अपन ने, बीच में एक बीच में एक पोर्शन लगा दिया एनोड का, और उसमें एक छोटा सा होल छोड़ा, मतलब सिर्फ इतना ही बीम पास हो सकता था। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन में यूजुअली चलना चाहिए था, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड में लगा देता हूँ, तो ये बीम क्या करेगी, थोड़ा मुड़ जाएगी, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये बीम आ रही है इस पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ गया है, पॉजिटिव की तरफ डेविएट हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, बीम पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। तो यहां से आपके पास पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का निकल कर आया था, ओके। तो ये पार्ट आपको समझ आया, कोई डाउट है तो बोलो सर। इन सबको लिखना है सर, सर पॉइंट नहीं, पॉइंट लिख लो, पॉइंट लिख लो, और डायग्राम सर, डायग्राम रहने दो। अच्छा सर, पॉइंट से एक बार दे दिखा दीजिए। हाँ, फोर तक स्टार्ट कर दिया, आपके सामने आ गए होंगे। यस सर, आ गए सर। ये स्मॉल पिन व्हील ऑफ 10 का क्या मतलब हुआ? साइज एक्चुअली मेंशन था, स्मॉल पिन व्हील, एक्चुअली इसमें साइज में मेंशन नहीं, यूनिट मेंशन नहीं थी, मतलब बॉस ऑफ स्मॉल साइज कर दो, बिल्कुल सिंपल, यस, वेरी थिन व्हील कर दो, या फिर स्मॉल मास कर दो, मतलब बहुत छोटा साइज है और उस मास से इसका, सो मास वेरी लेस कर देना, ऑफ वेरी लेस मास, ए स्मॉल पिन व्हील ऑफ वेरी लेस मास इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, ऐसे कर दो। ओके सर, मैंने 3 पेजेस एनसीईआरटी बताया, शायद आपको पढ़ दे, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर हम पढ़े हैं और क्वेश्चन भी बना रहे हैं। ओके, बाकी लोग, श्रेया आपने पढ़ा? हाँ सर, कर लिया है, वो कर लिया है, बड़ा लेट लिया आपने, बड़ा लेट। सर ये नीचे वाला डायग्राम अच्छे से समझ नहीं आया। हाँ अच्छा, नीचे वाले डायग्राम को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ बोर्ड से। सर 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 पॉइंट दिखा दो, पॉइंट एक बार, मैं नीचे वाले डायग्राम को आज तक एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप भी देख लो साथ साथ। मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ वापस से बोर्ड पे, तो कुछ देर के लिए शेयर रोक रहा हूँ। अब देखिए नीचे वाले डायग्राम में क्या बोल रहे हैं, आधा बाकी चीजें देखो मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या किया मैंने, एक सिंगल बीम छोड़ दी, ये एक बीम पास हो रही है, यहां से क्या किया बाकी सबको ब्लॉक कर दिया, सिर्फ इतनी बीम अपनी निकल कर आ रही है कैथोड रेज की। अब इसमें क्या किया, ये कैथोड रेज बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आद्या, यहां पर लगा दिया पॉजिटिव प्लेट और यहां लगा दिया नेगेटिव प्लेट, मतलब एक और पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई कर दिया। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। हाँ। क्या होता है, इसकी वेलोसिटी होती है बहुत ज्यादा, तो पूरी तरह तो मुड़ नहीं पाता, थोड़ा मुड़ जाता है, मतलब एकदम ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से रुक के यहीं पे स्ट्राइक कर दे, वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो घूम फिर के आगे की तरफ स्ट्राइक करे ग्लास प्लेट पे। तो ग्लास प्लेट पे आपको पता है अगर स्ट्रेट स्ट्राइक करता, मतलब इस पार्टिकल, इस
उस पे कैथोड रेज पे कोई चार्ज नहीं होता अगर स्ट्रेट जाता तो। इस तरफ स्ट्राइक किया, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज है कैथोड रेज पे। नेगेटिव चार्ज का आइडिया कैसे लगा, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। भैया पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं आद्या? हाँ करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया तो अपने को आइडिया लग गया कि पॉजिटिव चार्ज है। अगर अट्रैक्ट नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल है। और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता तो हम लोग क्या बोलते, पॉजिटिव। बस पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम पे ये मतलब है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, आपको पता चला चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अपने पता चला कि कैथोड रेज का चार्ज, हाँ कैथोड रेज में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो कैथोड रेज का चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो जे.जे. थॉमसन ने क्या बोल दिया कि ये जो नेगेटिव चार्ज वाले रेज हैं ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, और इस तरह इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। इन कैथोड रेज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, इस वजह से हम लोग क्या बोलने लगे कि ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, एक ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिस पे चार्ज नेगेटिव है, जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन बोल दिया। इनिशियली बोला कि एक पार्टिकल से मिलकर कैथोड रेज बनी है जिस पे एक नेगेटिव चार्ज, उसको बाद में बोल दिया ये इलेक्ट्रॉन। अब ये डायग्राम समझ आया आद्या? हाँ सर आ गया समझ। सर हमेशा पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव जाता है क्योंकि पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए नहीं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। सर अपोजिट चार्ज करते भी हैं तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव की तरफ, लेकिन क्यों नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा है। मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया यहाँ से, क्योंकि प्रोटोन अपनी कोई एटम के अंदर प्रोटोन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। हाँ न्यूक्लियस से उसकी पोजिशन छोड़ना मुश्किल होगा काफी ज्यादा। मैंने न्यूक्लियर फोर्सेस हाँ। बताया था शुरुआत की कुछ क्लासेस में, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, आप समझ आ गया है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो निकल सकता है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं वापस से शेयर कर रहा हूँ, आगे के पोस्टुलेट्स आप लिखते जाइए और डाउट आए वहां पूछते जाइए। सर हाँ बोलो अमन। सर ये नीचे वाला लाइन पर हम हाइलाइटेड किए हैं सर, देखिए द पार्टिकल कैरी ए नेगेटिव चार्ज वर कॉल्ड नेगेट्रॉन्स। ओरिजिनल नाम क्या था, नेगेट्रॉन बोला था मैंने, बोला ना आपको जो बीम आ रही है आपकी उस पर बोला कि एक नेगेटिव चार्ज है, ये पार्टिकल्स से मिलकर बनी है और उन पार्टिकल्स पे एक नेगेटिव चार्ज है, यही बोला था इनिशियली थॉमसन ने अमन। हाँ सर हाँ सर। तो उनका इनिशियल नाम जो जे.जे. थॉमसन ने दिया था वो नेगेट्रॉन दिया था, बाद में उसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया दूसरे साइंटिस्ट ने, उसका नाम बदल दिया। और नेगेट्रॉन्स होता है क्या सर? नेगेट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही पुराना नाम है, पहले जो शुरुआत में डिस्कवरी करी थी तो नाम दे दिया नेगेट्रॉन, फिर बाद में नाम चेंज करके इलेक्ट्रॉन कर दिया। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उसी का पुराना नाम नेगेट्रॉन था इनिशियल डिस्कवरी के टाइम, जब पहली बार उसको ढूंढा गया तो उसको बोल दिया नेगेट्रॉन। मतलब पहली बार किसी नाम ना पता हो तो क्या निकालता, तुम्हारे घर में कोई नया बच्चा होता है तो उसका नाम क्या बोलते हो तुम, कुछ भी रैंडम रख देते हो, पप्पू वप्पू है ना, लेकिन बाद में नया नाम निकालते हो कि अब ये बड़ा हो गया इसका नाम गो पप्पू अच्छा नहीं लगता तो नया नाम रख लेते हैं गोचू। तो नया नाम आप अपनी तरफ से रखते हो बाद में, तो वही हुआ है कि इनिशियल नाम क्या दे दिया, नेगेट्रॉन दे दिया, बाद में नाम बदल क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन कर दिया। अमन मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई बात? हाँ सर आ गई। फिफ्थ पॉइंट हटा दूं आयुष? यस सर हो गया सर। ओके फोटोग्राफिक सर। हाँ जी आयुष बोलो। सर कैथोड रे से मुझे इलेक्ट्रिसिटी का डाउट आ गया सर। हाँ बोलो सर। जब क्लाउडी वेदर में हाँ थंडरस्टॉर्म्स होते हैं तो उसपे से जब
चार्ज बनता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वो अगर ठंड के रूप में अर्थ तक पहुंचती है तो सर जब उसके अराउंड जब उसकी एयर भी तो एक मीडियम है तो फिर एक मिनट दोबारा बोलो, मुझे थोड़ा कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा दोबारा बोलना क्या बोला आपने? सर जब क्लाउडी वेदर में चार्ज बनता है तो थंडरस्टॉर्म होता है। हाँ। तो उसके जो चारों ओर हवा होती है वो भी तो आयनाइज होती है जो हाँ। आपके पास लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, लाइटनिंग जो होती है उसमें क्या होता है उसके आसपास की सारी एयर आयनाइज हो जाती है। तो आप मेन बीम की चपेट में आओ कहीं मेन बीम के अगर आप कॉन्टेक्ट में नहीं भी आते हो और आसपास हो तो भी आप पर इफेक्ट पड़ेगा, बर्निंग आपकी होगी, मतलब बॉडी बर्न हो जाएगी। मेन बीम के कॉन्टेक्ट में आना जरूरी नहीं होता है जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग जब गिरती है ना तो उस टाइम मेन बीम के कॉन्टेक्ट में आना जरूरी नहीं होता है, उसके आसपास भी होगा तो पूरा चार्ज होके वो बर्निंग आपका हो जाएगा। तो सर वो एक बार में क्यों आता है? मतलब जैसे जैसे चार्ज बन रहा है वैसे वैसे वो डिस्पर्स हो होता रहेगा। देखो एटमॉस्फेयर में मोस्टली आपके पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन अपने पास इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करना चाहता, तो जब भी लाइटनिंग होती है तो एक बार गिरेगी कुछ बीच का एयर आयनाइज हुआ लेकिन एयर कंटिन्यूअसली आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है तो क्या होगा वो चार्ज बहुत जल्दी डिसिपेट हो जाता है, चार्ज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वो स्ट्राइक किया उसके 10 बाद थोड़ी देर मतलब जैसे ऊपर जाएगा चार्ज खत्म हो जाएगा। ओके सर। तो क्या होता है जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आपके पास अर्थ में सारा चार्ज चला जाता है, ऐसा होता है? अर्थ तक टच करती है? यस सर। है ना? तो ये होता है कि सारा चार्ज आके अर्थ में निकल जाता है वो, क्योंकि अर्थ हमेशा जीरो पोटेंशियल पे हम लोग अज्यूम करते हैं और जो लाइटनिंग होती है उसमें क्या होता है बहुत हाई पोटेंशियल ऊपर जनरेट हो जाता है, तो ऊपर से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट जनरेट हुआ तो बीच का क्या हुआ एक्चुअली सारी एयर ही आयनाइज होके लाइटनिंग स्ट्राइक हुई। आयुष अब समझ आया? यस सर। नहीं कुछ डाउट है बताओ? आवाज से लग रहा है डाउट तो था सर वो एक और था। ठीक है जैसे ध्यान में आए पूछ लेना। हाँ ये आपका जैसे ही हो जाए आप मुझे बताना, ये 10 तक पॉइंट जब तक आपके हो जाते हैं बताना मुझे, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। सर मेरा हो गया बाकी हो गया। बहुत बढ़िया। मैं अब स्टॉप शेयर करता हूँ फिर वापस जाता हूँ। आपके पास फिजिक्स के कुछ फॉर्मूला लगा के कि ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ कितनी वेलोसिटी से आया, हम लोग एक टर्म निकाल सकते हैं चार्ज बाय मास का एक रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आया था कितना टर्न हुआ, तो उससे एक वैल्यू हम लोग चार्ज बाय मास की निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू आती है 1.7888 × 10⁸ कूलाम पर केजी, पर केजी पर ग्राम में, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, पर ग्राम होगा तो कूलाम पर ग्राम ये आपका निकल कर आएगा। ये क्या देगा आपको एक आइडिया देगा कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का ना मास पता है ना चार्ज पता है लेकिन कूलाम पर ग्राम से हम लोगों को एक आइडिया लग सकता है। आप अगर अपने वे में ट्राई करना चाहो तो आपके पास एक ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है 9.1 × 10⁻³⁻¹। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है
1.6 into 10 raise power minus 19. तो आप पहले क्या करो कि एक ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन से ये निकालने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद उस एक ग्राम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन से उसका चार्ज क्या होगा वो भी निकालने की कोशिश करो। एक बार ट्राई करके देखो, फिर मैं बताता हूँ। सर ये जो चार्ज वाली मास है तो फिर वो मास किसका है? मास भी इलेक्ट्रॉन्स का ही है ना आद्या, इलेक्ट्रॉन्स का ही चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का ही मास के रेशियो के देखा है हम लोगों ने। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। अगर मैं एक ग्राम इलेक्ट्रॉन लूं, इसका मतलब ये होगा अगर एक ग्राम में इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो उस पर इतना चार्ज होगा 1.788 × 10⁸ कूलम। तो आपको देखना है एक ग्राम। देखो मैंने आपसे एक क्वेश्चन शुरुआत में बताया था कि अगर एक पेन 20 रुपए का आता है 200 रुपए में कितने पेन आएंगे, बार बार वही क्वेश्चन आपका आता है। एक पेन 20 रुपीज का है तो 200 रुपीज में कितने पेन आएंगे, वो वाला क्वेश्चन है। एक ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है किलोग्राम, एक इलेक्ट्रॉन का मास है इतना, आपको बताना है एक ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। निकालने की कोशिश करो, नहीं निकलता है क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है वापस से, तो मोल कॉन्सेप्ट आपका हल्का सा रिवाइज होगा। बोलो सर मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा। यू आर प्रोवाइडेड विद मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है समझा। एक ग्राम इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। सो यू आर प्रोवाइडेड विद मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आपने सबने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आपको बताना चाहिए, सबको आप सोल्व होना चाहिए। हाँ तुम्हारा तो हो जाएगा, बाकी लोगों को भी करने दो। मेरा भी हो गया। अज्ञा हो गया, कितना निकल के आया अज्ञा? 1/9 × 10⁻³⁰ × 1000 ग्राम। 1/9 सो -28 इनटू अज्ञा बोल रहे हैं 1/9 × 10⁻³⁰ × 1000 इंटू 1000 ग्राम। ग्राम तो 1/9 × 10⁻²⁸ कर सकता हूँ? हाँ ठीक है। क्या ये 9.1 बेसिकली 1/9.1 क्या होगा आपका? 1.098 × 10⁻²⁰ × 10⁻²⁰ प्लस आएगा, ये प्लस होगा। हाँ अज्ञा वो ऊपर लेके जाएंगे प्लस आ जाएगा। हाँ वो समझ आ गया है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन निकल के आए, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, एक ग्राम के अंदर। इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। इफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, यू हैव टू फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑफ दीज मैनी इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितना चार्ज आपका होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये वाला है। हाँ आयुष बोलो। सर आपने जो ये किया 1/9 × 10⁻³ जो होगा नेक्स्ट स्टेप में, फिर तो वो 34 हो जाना चाहिए। अरे ये यहाँ पे गलत बोल दिया गया है। 9.1 × 10⁻²⁸ है ये, मतलब ये नीचे की तरफ ही मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। यस है, ऊपर ले जाओ प्लस 28 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको ग्राम से किलोग्राम, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो कितना आ जाएगा 9.1 × 10⁻²⁸ डायरेक्टली। और इसको एक से डिवाइड कर दें क्योंकि 1 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन ग्राम्स,
तो वन से डिवाइड किया तो ये इस तरफ आपका चला जाएगा। ठीक है आयुष? आयुष यस यस अभी आ गया। हाँ ठीक है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर दीज मैनी। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, ये वाला 1.6 × 10⁻¹⁹। आपको बताना है टोटल चार्ज कितना होगा, बताइए। 1.75 × 10⁸ टोटल चार्ज। आद्य आपका हुआ कुछ? हाँ सर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना कितना है श्रेया बोलो। 1.758 × 10⁸ कूलम इंटू 10⁸ कूलम। अब देखो उसके सिमिलर आ रहा है क्या कुछ? आपको चेक करना था 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, तो वही निकल के आ रहा है। बस हम लोगों ने इसकी वैल्यू पूरी नहीं ली है, मतलब सिर्फ 1.6 तक लिया। आगे इसके जो वैल्यूज हैं वो सब कुछ लोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू लोगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो आपका ये पूरा आता। जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है एग्जैक्टली 1.602 1892, मतलब आगे बहुत सारा वैल्यू है वो हम लोगों ने नहीं लिखा है, इस वजह से ये ऐसा आया, नहीं तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाता। ये यहाँ पे जो 58 आया ये 88 पे चला जाता। तो इस तरह से मैंने आपको निकाल के दिखाया कि चार्ज बाय मास रेशियो कैसे ये वैलिड है। 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, 1.788 × 10⁸ कूलम्ब निकलकर आएगा पर ग्राम। इतने बात में किसको डाउट है, ये क्या बोला है मैंने चार्ज बाय मास रेशियो? किसी कोई डाउट नहीं यार, आना चाहिए था। आर्यन चार्ज हम निकालते क्यों हैं? चार्ज बाय मास रेशियो देखो आद्य इस वजह से निकालते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या चार्ज होगा और क्या मास होगा। अगर आपको आइडिया हो कि चार्ज और मास कितने कितने हैं तो रेशियो से आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू सही है या गलत है। एक आइडिया निकालने के लिए इनिशियली चार्ज बाय मास रेशियो निकाला था। अब आपके पास इनिशियली ये वैल्यू थी, आपको निकालनी ये दोनों थी, तो उस पर भी आएंगे कैसे किया है इन लोगों ने, लेकिन निकल जाता है आद्य। सर जब उसने निकाला चार्ज पे मास रेशियो तो उसने वैसे ही निकाला होगा ना चार्ज अपॉन मास करके? नहीं ऐसे नहीं निकाला है उसने, उसने फिजिक्स लगाया है कि कितना डेविएट हुआ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलाज यूज करके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलाज यूज करके कि कितना ये डेविएट हुआ है, उस टाइम कितनी काइनेटिक एनर्जी थी जब उसने स्ट्राइक किया, उन सबको कैलकुलेट करके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ एमवी स्क्वायर आता है, मास का रिलेशन आ जाता है, और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में KQ1 Q2 / r² कुछ कुछ पोटेंशियल एनर्जी वगैरह होता है, और एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कुछ कुछ, तो उसकी वजह से आप एक्चुअल डेविएशन का आइडिया लगा सकते हो, और मास का रिलेशन आप एक आइडिया मतलब चार्ज बाय मास का वहां से एक रेशियो निकल के आ जाता है, क्योंकि क्यू चार्ज देता है आपका KQ और वहां से मास का भी एक है, तो दोनों पार्ट मिला के चार्ज और मास का रेशियो निकल के आता है। ओके सर। ओके सर, उस वाले फॉर्मूले में जो आपने भी बोला उसमें जो क्यू होगा वो दोनों तो Q1 Q2 तो सेम ही होगा ना? नहीं नहीं, एक तो प्लेट है आपके पास, प्लेट का चार्ज तो आपको पता है क्योंकि वो तो अपन नहीं लगाया है, और कैथोड रेज का अननोन चार्ज है, तो एक को क्यू प्लेट को Q1 मानोगे दूसरा Q2 अननोन चार्ज हो जाएगा। अच्छा बात आई समझ? हाँ सर। कुछ और डाउट? नहीं अभी नहीं। चलो ठीक है, तो आगे प्रोसीड करें। हम लोग ये वाला पार्ट चार्ज बाय मास का एक रेशियो समझा दिया है मैंने, तो ये वैल्यू एक नोट कर लेना, चार्ज बाय मास का रेशियो इसके बराबर होगा। ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और डिस्कस बिल्कुल नहीं किया जाता। जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है ना आपके सामने, मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। पहले इसको हल्का सा पढ़ो फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होता क्या है। आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है,
फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप पहले इसको पढ़ लो हल्का सा, फिर मैं बोलता हूँ। सर उसके बाद इसको लिख के ड्रॉ भी करना है? नहीं ड्रॉ करना है, लेकिन सिर्फ पढ़ना है इसको। एक मिनट का मतलब टाइम लो और इसको रीड आउट करो कि क्या बोलना चाह रहा है, फिर मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये समझाना थोड़ा मुश्किल एक्सपेरिमेंट है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, एक बार देख लो फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। हेलो। हाँ सर, वो श्रेया ने सर मैसेज किया है सर। क्या सर? श्रेया मैसेज की है सर, पता नहीं किस पे किसको नहीं नहीं तुम नहीं सॉरी दूसरी श्रेया थी, सॉरी सर। आज इंडिपेंडेंस डे है सर, तो उसकी वजह से रेडियो पे मैसेज आया सर। वो कशिश है। हाँ ठीक है। सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया, बस इतना समझ आया कि वो ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट से चार्ज का वैल्यू निकालना चाह रहा था। हाँ ठीक, चलिए मैं बताता हूँ सेकंड पॉइंट क्या है, मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट अब मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में 9.1 × 10⁻³ होता है। हाँ आपने वो ग्राम में लिखा था पहले? नहीं केजी में लिखा हुआ था स्टार्टिंग में एकदम, आपने ग्राम में चेंज किया? नहीं भाई, ग्राम में चेंज किया था 9.1 × 10⁻²। श्रेया लिखा तो केजी में ही था, फिर उसको ग्राम में चेंज किया था। अच्छा सर। हाँ मैं शेयरिंग हटा रहा हूँ, अब आप मेरे साथ साथ देखने की कोशिश करो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। आप क्या यूज करते हो? एक स्प्रेयर यूज करते हो, स्प्रे करने के लिए आपके पास डिवाइस आता है कुछ ऐसा सिंपल सा, नोजल टाइप एक नहीं आता है, बोतल नीचे लगा रहता है। स्प्रेयर एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्प्रे मतलब बहुत पतली पतली ड्रॉपलेट्स बना देता है, देखा होगा हेयर कट कराने जाते हो स्प्रे करता है, तो ये क्या करता है, बहुत पतली पतली ड्रॉपलेट्स बना के दे देगा, जो भी आपके पास ऑयल या वाटर इसके अंदर प्रेजेंट हो उसकी बहुत पतली पतली ड्रॉपलेट्स ये बना के दे देता है। तो स्प्रेयर बेसिकली आपके पास बहुत पतली पतली और सिमिलर साइज की ड्रॉपलेट्स बना के देगा। अब ये जो ड्रॉपलेट्स आई आपके पास, इनको क्या करेंगे, एक बड़े से चैम्बर में डालेंगे। मैं थोड़ा सा अलग मेथड यूज कर रहा हूँ, उसने थोड़ा अलग मेथड यूज किया, मैं थोड़ा अलग मेथड यूज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहां पर ये सारी ड्रॉपलेट्स एक वेसल के अंदर डाल दी। ओके, एक वेसल लंबा सा सिलेंडर है आपके पास, उसके अंदर ये ड्रॉपलेट्स मैंने डाल दी। अब ये ड्रॉपलेट्स जो मैंने डाली हैं, ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएंगे। जब नीचे की तरफ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, इन पे एक्स रे बॉम्बार्ड कर दूंगा, इनके ऊपर एक्स रे मैं डाल दे रहा हूं। एक्स रे क्या होती है, कौन बताएगा एक्सरे क्या होती है? अरे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, रेडिएशन बहुत हाई एनर्जी की रेडिएशन होती है। ये क्या करेंगी, ये आपके पास एयर से इन ड्रॉपलेट्स के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन लाके छोड़ देंगे। जो आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट्स होती है ना, उनकी टेंडेंसी होती है कि ये इजीली नेगेटिव चार्ज को कैरी कर सकती है। आपने कोम्ब वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि चार्ज एक्सचेंज हो जाता है, 6th-7th क्लास में आता है, बालों पे कंघा जो कोम्ब होता है उसको रगड़ के अगर पेपर की तरफ लेके जाएं तो पेपर अट्रैक्ट हो जाता है, देखा है? एक एक्सपेरिमेंट आता है कि बालों पे कोम्ब रगड़ो और फिर उसको लेके जाओ पेपर की तरफ, तो ऐसा क्यों होता है सर? स्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता एक्चुअली, जब आप रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। सर फ्रिक्शन रहता है। हाँ क्या हो जाता है आपके पास, जब आप रब करते हो ना तो कोम्ब के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होता है।
तो ये जो होता है ये चार्ज जनरेट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट होगा जब आप रब करते हो। तो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं, क्योंकि कॉम्ब पे क्यों आता है वो चार्ज, क्योंकि आपके हेयर से कुछ ना कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स उस कॉम्ब पे डिपॉजिट हो जाती हैं और उन ऑयल ड्रॉपलेट्स पे वो चार्ज एक्वायर हो सकता है। सर एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता दीजिए क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच के अट्रैक्शन को बोलते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब इलेक्ट्रो का मीन्स इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक मीन्स उसकी पोजिशन चेंज नहीं हो रही है, स्टैटिक मीन्स उसकी पोजिशन कॉन्स्टेंट है। तो ये मोशन में नहीं है चार्जेस, चार्जेस की अगर पोजिशन फिक्स रख के उनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन देखें तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्जेस की पोजीशन फिक्स करके उनके बीच का अट्रैक्शन या रिपल्शन देखें तो उस चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर जैसे ही एक्सरे डालेंगे तो क्या होगा, बीच की जो एयर है उससे मानो N2+ बना, उससे कोई इलेक्ट्रॉन निकल के इस ऑयल ड्रॉपलेट पे डिपॉजिट हो गया। हर एक ऑयल ड्रॉपलेट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएंगे या कुछ बिना डिपॉजिट वाले भी होंगे, लेकिन कुछ ड्रॉपलेट्स पे एटलीस्ट कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा हर एक ऑयल ड्रॉप पे ये अपने को नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रॉन आएंगे हर एक ऑयल ड्रॉप पे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जरूर आएंगे। हर एक पे तो नहीं, मतलब ऑयल ड्रॉपलेट्स पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितना आएगा ये नहीं पता है, लेकिन ड्रॉपलेट्स आएंगे, बस सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट्स पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये ऑयल ड्रॉपलेट चार्ज हो गई, मान लो इस पे दो दिखा दिए, इस पे एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट्स चार्ज ड्रॉपलेट्स हो गई। अब यहाँ पर कैथोड और एनोड हम लोग रखेंगे, यहाँ पर कैथोड और एनोड के बीच में स्पेसिंग होती है, मतलब इनिशियली आपके पास क्या होगा सर? सर ये श्रेया नहीं सर, सर आरजे श्रेया थी, सॉरी सर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आपको बार बार मना किया है, आप प्लीज डिस्टर्ब मत करो। अरे सर सर श्रेया बोले तो सर श्रेया, मेरे को लगा ये केमिस्ट्री वाली। दो वे से आप अज्यूम कर सकते हो, देखो एक इस तरह की प्लेट अज्यूम करो जिसमें बहुत सारे छेद, बहुत सारे होल्स हो, इस तरह की प्लेट अज्यूम करो, उसको यहाँ पे लगा दे। ऐसी कोई प्लेट जिसमें बहुत सारे होल्स हो उसको यहाँ पे लगा दे, या यहाँ पे होल मैंने कैसा दिखाया है, रेक्टेंगुलर होल दिखाए और इसको यहाँ पे लगा दिया, मतलब ऑयल ड्रॉपलेट इसके थ्रू पास हो सकती है। तो ऑयल ड्रॉपलेट क्या होगा, नीचे आ जाएंगे आपके पास, यहां पर कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी एक प्लेट लगाएंगे और ये प्लेट क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज, जबकि ये प्लेट थी पॉजिटिवली चार्ज। ये ऊपर वाली प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, नीचे वाली प्लेट है नेगेटिवली चार्ज। ऑयल ड्रॉपलेट की टेंडेंसी है ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आएगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, कौन सा, K Q1 Q2 / r², क्योंकि यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आपका है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, ऑयल ड्रॉपलेट पे भी नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर रिपेल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप दोनों फोर्सेस को नेट बैलेंस आउट कर सकते हो थ्रू इसका चार्ज बढ़ा के या घटा के, कुछ इस तरह से बढ़ाना घटाना है कि नेट फोर्सेस आपके बैलेंस आउट हो जाएंगे। हाँ तो मैं बोल रहा था कि यहां पर चार्ज को बैलेंस आउट कर सकते हैं, नेट फोर्सेस को बैलेंस आउट करना है, Mg becomes equal to K Q1 Q2 / r². इतना आप नोट डाउन करो, जल्दी से इतना नोट डाउन।
सर हाँ जी सर एम जे इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर टू एस क्योंकि ऊपर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहा है नीचे की तरफ तो इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा ग्रेविटी की वजह से mg लगेगा yes, sir. और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा क्योंकि नीचे की तरफ एक नेगेटिव प्लेट लगा रखी मतलब नीचे नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है आपके पास तो ये क्या करेगा ऊपर की तरफ रिपेल करेगा इसको नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल इच अदर तो क्या होगा ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है कूलम्बिक फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर इसको बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमन ये फोर्स तो आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे क्या होता है तो ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस आउट हो सकते हैं ऐसे और यहां से आपके चार्ज बाय मास का रेशियो निकाल सकते हो मास भी पता है चार्ज भी पता है निकल सकता है क्या हो सकता है लेकिन यहां पे मास किसका होगा ऑयल ड्रॉपलेट का मास होगा यहां पर मास किसका होगा ऑयल ड्रॉपलेट का मास होगा और ऑयल ड्रॉपलेट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी नहीं पता तो आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास ये टर्म हमेशा किसी के मल्टीपल में जाएगी मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मुझे नहीं पता एन इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ड्रॉपलेट पे उसका मास एम प्लस उतने इलेक्ट्रॉन्स जितने आ रहे हैं उसका मास भी ऐड करना पड़ेगा नेट मिला के क्या होता रहेगा चार्ज बाय मास की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपके आती रहेंगी यहाँ पे मास ऑयल ड्रॉपलेट का मास है इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है यहाँ पर मास ऑयल ड्रॉपलेट का मास है ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी इसके साथ कैलकुलेशन अपने सिलेबस में नहीं है फिजिक्स के थ्रू आती है इवन 12th क्लास तक नहीं होती है ये कैलकुलेशन लेकिन होता क्या है इससे आपको एग्जैक्टली पता चल के निकल के आ जाता है कि कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां से एग्जैक्ट निकल कर आ जाता है बेसिकली हो क्या रहा है चार्ज बाय मास को बैलेंस किया और उससे मतलब नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर तो फाइनली जब निकाल के लेके आएंगे तो आपके पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट हम लोग चार्ज निकाल के दे देंगे तो ये यहां से इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मास क्या होगा वो एक आइडिया यहां से इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से लगता है ठीक है लेकिन साथ में क्या होगा कितने इलेक्ट्रॉन से उसका मास भी ऐड होगा ऑयल ड्रॉपलेट के साथ है ना तो वो आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी एक रिलेशन आता जाए मतलब कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी लेकिन फाइनली निकल के आ जाता है इंटीजर मल्टीपल में आता है और फिर फाइनली आप लोग एग्जैक्टली बता पाओगे ये इलेक्ट्रॉन का मास ये चार्ज एक आइडिया लग जाता है चार्ज तो एग्जैक्टली पता चल जाता है ठीक है श्रेया वो वहाँ पे जो फोर्स लग रहा था एक तो ग्रेविटेशन लग रहा था नीचे की तरफ mg और एक आप बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक k q1 q2 by r square तो रिपल्सिव लगेगा ना नीचे से लगेगा तो वही तो k q1 q2 by r square वही रिपल्सिव हुआ उसका फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ठीक है सर वही कंफर्म हुआ रिपल्सिव फोर्स हाँ ठीक है चलिए आज का क्लास यहाँ एंड करें यस सर ठीक है चलिए सर हाँ बोलिए हम सर अब मैंने कुछ भेजा है आपके लिए देख लीजिए हाँ, क्लास एंड होने के बाद देख लीजिए ठीक बाय बाय हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन सेम टू यू सर Thank you.